10/8/2019 2019 दे विच एफ आई आर हुई सी। उस एफ आई आर जबकि सैलर जितों फड़ी सी फैक्ट्री कि सैलर वो दपेश नाँ के व्यक्ति का सीगा जिहड़ा कि हरदयाल कंबोज मदन लाल कंबोज इन्हां दा सांझा बंदा गा। पर सैकंड जिहड़ी आ टेपले विच फड़ी गई ये 23/4/2020 फड़ी गई 2020 टेपले च फड़ी गई उहदे विच भी जिहड़ा हैगा फिर जिहड़ी आ वड्डी पद्धर ते फड़ी गई पर लेकिन उहदे विच कल्ला एक्साइज एक्ट लाया। गंडुआ गंडिया पिंड दे विच फड़ी गई सीगी उहदे विच दपेश दा नाम अमरीक सिंह दा नाम सीगा। आ हुण जिहड़ी पंजवीं आ वो तुहानूं पता कि पटियाला बाईपास दे उत्ते जिहड़ी फड़ी गई उहदे दपेश दा नाम आ। मेरा कहण दा भाव आ कि दपेश ते अमरीक नां दे जिहड़े दो व्यक्ति नेगे इन्हां दे बड़े सीधे संबंध जिहड़े हैगे नेगे लोकल दोने MLA राजपुरे दा MLA घनौर दा MLA दोने MLA साहिबान दे नाल नेगे। किस तरह वो रंधावा साहब नाल खड़े नेगे आ सैकंड फोटो दे विच जिहड़ा हैगा किस तरह वो जिहड़ा हैगा फिर इन्हां दे जिहड़े सपुत्र नेगे दोनों MLA साहिबान दे उन्हां नाल खड़े नेगे संदीप जी जिहड़े कि पंजाब दे मुख्यमंत्री साहब दे USD नेगे उन्हां दे पोलिटिकल एडवाइजर ने उन्हां नाल फोटो। उस तों बाद तुसीं देखो कि किस तरह आ हरदयाल कंबोज जी नाल फोटो उन्हां दी जाखड़ साहब नाल फोटो आ मदन लाल जी नाल फोटो आ लगातार सारिया फोटोआं इस गल की गवाही भरदियां नेगियां कि दोनों के रिलेशन जिहड़े हैगे नेगे अमरीक सिंह दे दपेश कुमार दे दोने MLA साहिबान दे ने क्योंकि एडा वड्डा कारोबार जिहड़ा एडा वड्डा कारोबार है ये बगैर सियासी जिहड़ी आ पुश्त पनाही दे नहीं चल सकता। जिवें कि राजपुरे शहर के पिछले दिनों काफ़ी शराब दियां फैक्ट्रियां फड़ी गई न्यूज़ 18 ने पंजाब तो तुहानू पूरी कवरेज दिखाई गई तो अज असी उसी फैक्ट्री के बाहर खड़े जिहड़ी स्कॉलर स्कूल के सामने तो फड़ी गई सी जिथे आरोपी दोबारा जिन्हां ने पहला फैक्ट्री लाई गई सी आरोपी जिहड़े दोबारा उरे तो फड़े गए सीगे ते किते ना किते इस तो बाद विपक्ष जिहड़ा हैगा आम आदमी पार्टी जागी उन्होंने भी काफ़ी रोस प्रदर्शन किए पुतले साड़े MLA ते MLA जिहड़े हलका घनौर दे MLA ते राजपुरा दे MLA वालों भी जिहड़ी प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई ते अज साडे नाल मौजूद है आम आदमी पार्टी दे ओपोजिशन लीडर हरपाल चीमा जी साढ़े नाल इस टाइम मौजूद है। चीमा जी तुसी उरे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है की कहना चाहोगे तुसी की गल्लां रखी देखो मैं तुहाडे जरिए पंजाब दे लोकां नूं दसना चाहुंदा गा कि किस तरह नैशनल हाईवे दे उपर आ फैक्ट्री बनी हुई है ओपन दे विच जिहड़ी है नकली शराब की फैक्ट्री बनी हुई है और लगातार चार या पांच फैक्ट्रियां पटियाले जिले फड़ियां गईयां नेगियां चाहे वह घनौर की गल आ चाहे टेपले की गल आ चाहे राजपुरे की गल आ लगातार इन्हां फैक्ट्रियां दे फड़े जाना इस गल का संकेत आ इस गल का सबूत आ कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़े कि पटियाला जिले में बिलोंग करते हैं जिथों कि उन्होंने धर्मपत्नी महाराणी परनीत कौर मैंबर पार्लीमेंट ने गे उन्होंने नक् के थले शराब दी फैक्ट्रियां चल रही नेगियां उन्होंने दो खासम खास MLA हरदयाल सिंह कंबोज मदन लाल जलालपुर इस इन्हां हलकों की जिहड़ी आ उह नुमाइंदगी कर रहे हैं और उन्हां दीआं फोटोआं तुसीं देखो कि उन्हां दोनों उन्होंने फोटोआं दोषियों दी फोटोआं सारे परिवार के मैंबरों दी फोटोआं ये MLA साहिबान सांझियां नेगियां। सो इतों पता लगता कि राजपुरे दे विच घनौर दे विच पंजाब दे विच जिहड़ा शराब माफिया कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाया जा रहा और जदों 128 मौतां होईयां सीगियां उदों भी आके तारां जिहड़ियां राजपुरे जुड़ियां सीगियां उदों भी इन्वेस्टिगेशन टीमां जिहड़ियां आईयां DGP खुद जिहड़ा DGP साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सी उह भी राजपुरे जुड़िया सीगा पर मामला कित्थे गया और उस तों बाद भी शराब दा नकली बंदा बणना इस गल दा सबूत आ कि पंजाब विच जिहड़ा माफिया राज खत्म करन दी गल कैप्टन साहब ने सहुं खाधी सी तलवंडी साहब तो 35 किलोमीटर दूर खड़े होकर वो गल वादा पूरा तो की करना सीगा हुण खुद उही माफिया जिहड़ा सुखबीर सिंह बादल ने एस्टैबलिश किया सीगा हुण उस माफिया जिहड़ा हैगा कैप्टन अमरिंदर सिंह चला रहे ने उन्होंने एक गल कही है कि असी जिहड़े हैं MLA आ शहर दे ते साडा टोर टप्पा भी पूरा है भी असी इहो जिहे काम क्यों करांगे। देखो ये करोड़ों रुपये का कारोबार आ एक करोड़ों अरबों रुपये का कारोबार आ नकली शराब जिहड़ी आ उहदी बोतल 2 तो लैके 5 रुपए च बन जाती है और बिकदी किन्ने दी आ 200 दी 400 दी 800 दी ईवन के ये तो जिहड़े ब्रांडड शराब आ जिहड़ी दूजी जमीन नूं आपां कहिंदे आ महंगी शराब आ उह भी इत्थे बनाई जा रही आ और लोगों की जान नाल भी खेडा जा रहा सो करोड़ों रुपए धंधा गा इहदी जांच जिहड़ी आ ED करे या CBI करे जिहड़ी इन्हां लोगों ने प्रॉपर्टियां बनाईयां ने पिछले 10 सालों च प्रॉपर्टियां बनाईयां ने उहदी जांच होनी चाहीदी है कि किस तरह अरबों रुपए दीआं प्रॉपर्टियां इन्हां लोगों ने बना रखियां नेगियां। जी मैं तुहानूं नहीं लगता पहला भी नैशनल हाईवे ते फैक्ट्री फड़ी जांदी है उस तों बाद टेपला भी एक मेन हाईवे हैगा बनूड़ वल जांदा है उस तों बाद राजपुरा दे विच हाईवे ते सरहंद बाईपास ते फैक्ट्री फड़े जाना किते ना किते इक सवालिया निशान है पुलिस ते भी। देखो पुलिस ते सवालिया निशान तो बहुत बड़ा गा इसलिए हाईवे ते एस्टैबलिश हुंदियां ने फैक्ट्रियां इसलिए इत्थे बणदियां ने ताकि इत्थों ट्रांसपोर्टेशन का धंधा
इतों शराब नूं ट्रांसपोर्टेशन किवें करना गा, उरों लुधियाणे किवें लैके जाणा गा, उरों तरन तारण किवें लैके जाणा गा, उरों फिरोजपुर किवें लैके जाणा गा, उहदी आसानी आ। सो जिहड़ा शराब माफिया अपने लिए ट्रांसपोर्ट का प्रबंध जिहड़ा हैगा नैशनल हाईवे ते करदा, तां ही जिहड़ी बिल्कुल नैशनल हाईवे दे उत्ते जिहड़ी आ 10 कदम दे स्पेक्ट्री बणी हुई आ। तुहानूं नहीं लगदा सामने स्कूल हैगा उरे काफ़ी चहल पहल रहिंदी आ, उस तों बाद भी जिहड़े आरोपी उरे फैक्ट्री ला लैंदे आ उहनां नूं इन्नी क मतलब उहनां नूं इन्ना किसी दा आशीर्वाद है कि उहनां नूं कोई परवाह नहीं इस चीज़ की? देखो सामने स्कूल आ, नैशनल हाईवे आ, इधरले पासे घर बने हुए ने, फैक्ट्री बनी हुई आ, ठीक है, इत्थे फैक्ट्री ते लगना इस गल दा संकेत आ कि सियासी पुश्त पनाही दोषियां नूं 100% आ, पूरी जिहड़ी आ दोषियां दी जिहड़ी ए जिहड़ा काम आ बगैर सियासी पुश्त पनाही दे नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति जिहड़ा हैगा इस तरह ओपन दे विच शराब दी फैक्ट्री नहीं चला सकता जद तक उहनूं पंजाब पुलिस दा, जद तक उहनूं हैगा सियासी लोकां दी सह प्राप्त ना होवे। चीमा जी, असीं इस फैक्ट्रियां फड़न तों बाद दीपेश दे घर जाके आए हैं, असीं बाहरों उहदे घर दी माली हालत देखी, ठीक नहीं है, उस तों पहलां फैक्ट्री फड़े जाणा इन्ना क ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੜੀ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਐਡਾ ਬੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨੇ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹਨੇ ਸਬਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 19 ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਲਈ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਰੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਦੁਪੇਸ਼ ਆ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ED ਜਾਂਚ ਕਰੂਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੂਗੀ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕੌਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਪੇਸ਼ ਆ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਗਾ ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਆ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ 89 ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ 89 ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਾਜਪੁਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਤਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ 'ਤੇ, ਕਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ, ਨਿਊਜ਼ 89 ਪੰਜਾਬ। दौर में जहां अपने बिजनेस के ऐड के साधन कम हो गए हैं, वहीं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए न्यूज 89 पंजाब आपके लिए लाया है सोशल मीडिया पर सबसे कम कीमत पर ऐड। जी हां, आज ही न्यूज 89 पंजाब न्यूज चैनल पर सिर्फ 2500 रुपए महीने पर अपनी ऐड बुक करवाएं और अपने बिजनेस को बढ़ाएं। आज ही संपर्क करें 9317500009 या 8115000006 पर। पेप्सू टाउनशिप डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब के वाइस चेयरमैन श्री जगदीश कुमार जग्गा जी दे नाल जुड़न लई 9901079000 नंबर ते मिस कॉल करो जा एना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मा ते फॉलो करो।